10 on 10 कढ़ाई है, लिटरली 10 on 10। मतलब तो क्या गर्मा गर्म, हमने तो वीडियो बनाने में इतना टाइम लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो प्रेजेंटेशन है ना, जिस तरह से की गई है, मतलब ठंडी होने के तो कोई चांस ही नहीं है। इतनी गर्मा गर्म मुनासिब इसमें मिर्चें, चटपटी मसालेदार, ग्रेवी भी अच्छी है, चिकन बहुत अच्छी कुक हुई हुई है, और ये कढ़ाई ऐसी है कि इसमें ना मतलब आपके पास लवाजमात ना भी हो ना तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगेगी, लिटरली बहुत मज़े की कढ़ाई है। तो दोस्तों ये इनकी चिकन बलोची बोटी से मैं ट्राई करने लगी हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी जो ना मतलब टेंडर किस्म की ये बलोची बोटी है, टमाटर को जरा साइड में करते हुए राइस के साथ। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लौट आए हैं अनदर रिव्यू वीडियो के साथ, और आज का ब्लॉग भी बड़ा कोई जबरदस्त और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मौजूद हैं अल हाज अख्तर पकवान एंड रेस्टोरेंट पे सिंस 1971 से। जी हाँ, काफी पुराना रेस्टोरेंट है और किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। और अभी हम इसकी जो है गुलशन वाली ब्रांच में मौजूद है, क्योंकि इन्होंने ना बड़े शानदार किस्म के प्लेटर श्लेटर निकाले हैं, जैसे आपको फोटो में नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को खाना तो यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर लिया, क्योंकि जब यहाँ पे आए तो काफी रश था और ऑर्डर पहले देना जरूरी था। हमने कहा चलो ऑर्डर शॉर्डर दे लें, उसके बाद डिटेल आपको बताते रहेंगे। तो हमने इनके मैनेजर से बोला कि आपके मोस्ट रनिंग में क्या है, तो उन्होंने बोला हमारे मोस्ट रनिंग में है इनकी बिरयानी, तो ऑल टाइम सबकी फेवरेट है। तो आप किसी देसी रेस्टोरेंट जाए वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो इनके पास चिकन और बीफ दोनों है, लेकिन हमने यहाँ पे चिकन ऑर्डर किया क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए, तो बीफ जो है ना ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं हम इनके प्लेटर पे, क्योंकि यहाँ पे जो ना आजकल जो ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ प्लेटर का कराची में, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, और इन्होंने भी प्लेटर्स निकाले हुए हैं। तो वैसे तो इनके पास बहुत सारे किस्म के प्लेटर हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, 4 से 5 लोगों के लिए, 3 से 4 लोगों के लिए, 1 से 2 लोगों के लिए। हमने 2 से 3 वाला प्लेटर मंगाया है, इसका नाम है क्लासिक प्लेटर, प्लेटर नंबर 3। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये लोग क्या क्या दे रहे हैं। 2000 रुपये में आपको मिलेंगे राइस, चिकन मलाई बोटी, बीफ सीख कबाब, चिकन रेशमी कबाब, चिकन बलोची टिक्का, बटर एंड सॉस विथ चपातियाँ और नान। इसके अलावा हमने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं इनकी गार्लिक नान, आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार किस्म की, ओहो हो बड़ी सजी धजी सी ये गार्लिक नान है। इसकी प्राइस है 80 रुपीज़, और रोटी तो एज यूजल 30 की है, लेकिन इस प्लेटर में वही रोटी इसके साथ ही है। इसके बाद आ जाते हैं इनकी रबड़ी खीर है, इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। हमने कहा चलो अब जब सारी चीज़ें ट्राई कर ही रहे हैं तो रबड़ी खीर भी ट्राई कर ही लेते हैं आज के खासम खास डिश पे। इनकी शनवारी कढ़ाई में ज़रा आपको लुक चेक करा दी, लाइव शनवारी कढ़ाई है जो मैंने अपनी आँखों के सामने खड़े होकर बनवाई है, और ये कुछ स्पेशल गर्मा गर्म किस्म का इसका लुक है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ना, ये फुल कढ़ाई हमने कराई, इसकी प्राइस है 1800 रुपये। बिरयानी बिल्कुल मेरे मुंह पर रखी पड़ी है, तो मैंने कहा स्टार्ट में इसी से ले दूं। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं कि बिरयानी के आइटम में आपको प्राइस बताना भूल गई, तो सिंगल प्लेट के जो है ना इनके 320 प्राइस है, और फुल प्लेट के 380। तो हमारी ये जो है ना ये फुल प्लेट है जिसमें 2 पीसेस ऑफ चिकन है और राइस की ये क्वान्टिटी है। तो टाइम इसके बगैर फटाफट से स्टार्ट लेते हैं, काफ़ी जो है ना मतलब मसालेदार लबाबदार किस्म की बिरयानी लग रही है, और साथ साथ हमारे जो है ना रायता भी रखा हुआ है। जब रायता हो तो भाई बिरयानी में ना 4 चांद लग जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मजे की बिरयानी है लिटरली, मैंने पहले जो है ना रायते से ट्राई किया, मजा आया, मैंने कहा नहीं इसको मैं बगैर रायते की भी ट्राई करूँ। तो ऐसी बिरयानी है जिसमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लिटरली बहुत ही मज़े की, बहुत मसाला भी मुनासिब है, स्पाइसेस भी मुनासिब है। मतलब जिसको अगर चटपटी खानी तो ज़्यादा मसाला ले ले, जिसको नॉर्मल खानी वो वाइट राइस के साथ ले ले, लेकिन मतलब वो ऐसी स्पाइसी नहीं है, लेकिन यार फुल टेस्टी बिरयानी, मज़ा आ गया। दोस्तों बिरयानी को हम साइड में करते हैं, ठीक है, अब नंबर लगाते हैं हम कढ़ाई का। और दोस्तों ये कुछ कढ़ाई का लुक है, ठीक है, अब कढ़ाई स्टार्ट करने लगे हैं, और मैं इसको ट्राई करूँगी गार्लिक नान से, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मेरी जो है ना बड़ी कोई तमन्ना सूझी पड़ी है कि मैं गार्लिक नान को ना मतलब फटाफट से ट्राई करूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो तो
अच्छा समझ रहा हूँ। के साथ भी मिलती है और सर रायता तो बनता है बॉस। गार्लिक नान जरा ट्राई तो करके देखूं अलग से कैसा है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, नॉर्मल तंदूरी रोटी लग रही है, मतलब मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी वैसी गार्लिक नान नहीं है। बाकी कढ़ाई बता दूं कैसी, बहुत आतंक, मतलब जैसी होनी चाहिए ना वैसे ही है। आज सुबह बहुत अच्छी जूसी जो है ना चिकन है, ठीक है, और थोड़ी सी गली होती और मज़ा आता है, लेकिन गली भी खाती हूँ, लेकिन इतना सही है। ये नॉर्मल कढ़ाई जैसी होती है वैसे ही, लेकिन यार बहुत मज़े का टेस्ट है रायते के साथ। टेन ऑन टेन कढ़ाई है, लिटरली टेन ऑन टेन, मतलब क्या गर्मा गर्म। हमने तो वीडियो बनाने में इतना टाइम लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो प्रेजेंटेशन है ना जिस तरह से की गई है, मतलब ठंडी होने के तो कोई चांस ही नहीं है। इतनी गर्मा गर्म मुनासिब इसमें मिर्चें, चटपटी मसालेदार, ग्रेवी भी अच्छी है, चिकन बहुत अच्छी कुक हुई हुई है, और ये कढ़ाई ऐसी है कि इसमें ना मतलब आपके पास लवाजमात ना भी हो ना तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी, लिटरली बहुत मज़े की कढ़ाई है। तो दोस्तों ये इनकी चिकन बलोची बोटी से मैं ट्राई करने लगी हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना मतलब टेंडर किस्म की ये बलोची बोटी है, टमाटर को जरा साइड में करते हुए राइस के साथ। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें गाइस कितनी टेंडर और काफ़ी जूसी, लेकिन चटपटी बहुत मज़ा, जिनको स्पाइसी पसंद है ना स्पाइसी लवर के लिए ना मतलब 10 on 10 बोटी है ये, लिटरली इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार कि इसमें किसी चटनी सलाद की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम इनके सीख कबाब की तरफ। ओके काफ़ी जो है ना मतलब हैवी सा सीख कबाब लग रहा है, और इसको हम ज़रा कट करते हैं, सीख कबाब को ट्राई करने लगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चटनी के साथ भी ठीक सी कबाब में चार चांद लगते हैं ना, मजेदार लिटरली मजे का। वो आ जाते हैं इनके रेशमी कबाब की तरफ। ओहो ये भी काफी टेंडर है, रेशमी कबाब जब ओके ओके लगा मुझे। अब आते हैं मलाई बूटी की तरफ, और मलाई बोटी जहाँ तक मुझे पता है एज यूजल सॉफ्ट और अच्छी ही होगी, बाकी तो खा के पता लगेगा। पहले से तारीफ करना, ये देखें काफ़ी टेंडर है, मतलब खाते ही जो है ना मतलब चिकन जो है ना इसकी वो हो गई। मलाई बोटी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते इसमें, लेकिन क्रीमी जूसी और बहुत ज़्यादा गली भी होती है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा गली भी नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। बात करें ओवरऑल पूरे प्लेटर की, तो प्लेटर मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, बस ये जो रेशमी कबाब है ना वो थोड़ा खास नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल प्लेटर जो है ना काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके ये प्लेटर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इनकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, बारबेक्यू का जो पोर्शन दे रहे हैं ना वो अच्छा दे रहे हैं। राइस से अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप इसमें चपाती जो साथ मिलेगी ना आप उसके साथ इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अब जो है ना एंड लेने से पहले हम आते हैं मीठे पे, और मीठे पे हमने ऑर्डर किया था कुछ मज़ेदार किस्म का जो है ना इनका रबड़ी खीर है, तो इसको भी ट्राई करके बता दूँ। 150 इसके प्राइस हैं, आई थिंक मैंने आप लोगों को प्राइस तो बता ही दिए थे। चलो भाई बादाम शदाम के साथ जो है ना उन्होंने दिया हुआ है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबको हटा दो साइड में, क्या मीठा है, लिटरली रबड़ी रबड़ी खीर लिटरली बहुत मजे की। सो यह रहा रिव्यू आप लोगों के सामने, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जैसा था जो भी था मैंने सब खुल्ला आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, न्यू लोकेशन न्यू रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना प्यारों का ख्याल रखें, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।